अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर ज़ाहिद और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का 14th लेक्चर पढ़ेंगे लेंगे। इसमें हम एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ द एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन इन इकोनॉमिक्स और एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन इन पाकिस्तान किस तरह से होता है, और एक्सचेंज रेट की कितनी टाइप्स होती हैं, इसके कितने एग्रीमेंट्स होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इनिशियली इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी एक्सप्रेस्ड इन अनदर कंट्रीज करेंसी। इन दिस वर्ड द रेट एट विच करेंसी कैन बी एक्सचेंज बाय अनदर। फॉर एग्जाम्पल के जैसे पाकिस्तान में एक यूएस डॉलर इज 140 का है, तो एक यूएस डॉलर की प्राइस इन पाकिस्तान इज़ कॉल, यानी हम एक यूएस डॉलर देंगे तो पाकिस्तानी करेंसी के 140 रुपीज़ के इक्वल हमें करेंसी मिल जाएगी। इसी तरह यूरो है, येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, इनके डिफरेंट एक्सचेंज रेट हैं। तो इट्स मीन के अगर हम इस करेंसी का एक यूनिट देंगे तो पाकिस्तान में कन्वर्ट होके हमें उतने यूनिट मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। इसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं, एक अमेरिकन टर्म्स होती है, एक यूरोपियन टर्म होती है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ही होता है, मतलब एक ही है बट देर इज़ अ लिटल डिफरेंस। अमेरिकन टर्म्स में हम इसको कहते हैं द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ लोकल करेंसी। अगेन रिपीट, द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ लोकल करेंसी। जबकि यूरोपियन टर्म में हम कहते हैं इसको द प्राइस ऑफ लोकल करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी अगर हम अमेरिकन टर्म में कहें तो एक फॉरेन करेंसी का यूनिट यानी एक डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में कितने का आएगा, दैट इज़ कॉल्ड अमेरिकन टर्म। और यूरोपियन टर्म में कि एक पाकिस्तानी करेंसी का यूनिट बाहर के फॉरेन कितने करेंसी की यूनिट में एक्सचेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड यूरोपियन टर्म। तो यहाँ पर जो एग्जांपल यूज़ की गई है, दिस इज़ द अमेरिकन टर्म। सो एक फॉरेन करेंसी का यूनिट कितने लोकल करेंसी के यूनिट्स में आएगा, दैट इज़ कॉल्ड अमेरिकन टर्म। वाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत ही क्यों होती है, वाई वी नीड फॉरेन करेंसी? तो इसकी बेसिक तो बहुत सारी रीज़न हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स जो मेजर रीजन्स हैं वो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर वी वांट टू इम्पोर्ट सम कमोडिटीज़ फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, देन वी हैव टू पे द प्राइजेज ऑफ देयर प्रोडक्ट इन देयर करेंसी। अगर हम अभी तो इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकन यूएस है, इन केस अगर हम यूएस के करेंसी में यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं करते और हम कोई चीज़ चाइना से मंगवाते हैं, देन वी हैव टू पे द चाइनीज़ करेंसी टू देम टू परचेज देयर कमोडिटीज़, ताकि वो अपना अपने मुल्क में तो अपनी करेंसी चला सकेंगे ना, पाकिस्तानी करेंसी तो नहीं चला सकेंगे। तो लिहाजा हमें नीड होती है चाइनीज़ करेंसी की व्हेन वी इम्पोर्ट कमोडिटीज़ फ्रॉम चाइना। और इफ़ वी एक्सपोर्ट पाकिस्तानी कमोडिटीज़ टू चाइना, देन वी नीड आर करेंसी। तो अब वो जब चाइनीज़ हमारी चीज़ें खरीदेंगे, दे हैव टू परचेज आर करेंसी फर्स्ट, देन पे अस इन अगेंस्ट ऑफ आर कमोडिटीज़। तो जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करेंगे, दिस विल बिकम द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, और जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, इट विल बिकम द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस मुल्क की करेंसी की डिमांड क्रिएट होगी। इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट या ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे वहाँ की करेंसी की डॉलर्स की डिमांड होगी, बिकॉज आई हैव टू पे देयर प्राइजेज इन टर्म ऑफ देयर करेंसी। और इसी तरह से जब हमें हमारी कोई हमारे यहाँ करेंसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे लाइक यूनिलीवर हो गया या कोई और बाइको हो गया, दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनी जो कि दूसरे कंट्रीज़ की हैं, जब ये हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इससे इनको दे हैव टू इनकम
एंड बाय द फॉरेन लोकल करेंसी फर्स्ट, और फिर वो यहाँ पर आके एक्सपेंडिचर्स करती हैं। फिर इसके बाद आता है टूरिज्म। बहुत से लोगों को दुनिया घूमने का शौक़ होता है। पाकिस्तान में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा है। दे गो टू अदर कंट्रीज़ जस्ट फॉर 2 डेज़, 1 वीक, 15 डेज़ ईच ईयर। तो फॉर दिस टूरिज़म पर्पस, अगर किसी मुल्क एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज से यूनाइटेड स्टेट में आते हैं देनी डॉलर, और यूनाइटेड स्टेट से यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं देनी यूरो। तो इस तरह से क्या होता है कि डिमांड फॉर टूरिज़म की वजह से, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की वजह से टूरिज़म एक बेसिक सोर्स है कि हम उसके लिए डिमांड फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। इसी तरह अगर कोई टूरिस्ट आपके कंट्री में आते हैं तो दे बिकम द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरिया हैं, देस आर द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस्ड फॉर द एडवेंचर इन 2020। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द रैंकिंग। तो अब यहाँ पर जो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पर आकर होटलिंग करेंगे, फूड खाएंगे, या फिर यहाँ से कोई चीज़ें लेकर जाएंगे, या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पर जो एक्सपेंसेस करेंगे, बिकॉज वो यहाँ पे आके अर्न नहीं कर रहे, दे अर्न मनी फ्रॉम देयर कंट्रीज़, और वो यहाँ पर आके सिर्फ एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। सो जब टूरिज़म इनफ्लो हुई, इट्स मीन के सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बना। जब पाकिस्तानी या लोकल पीपल जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो दे विल बिकम द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। के जैसे पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं फॉर टूरिस्ट प्लेस फॉर यानी स्पैन ऑफ टाइम, यानी अपनी वोकेशन इंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको वोकेशन इंजॉय करने के लिए यूएई दिरहम की ज़रूरत पड़ती है या यूएस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए दे डिमांड द फॉरेन करेंसी, दे यूएई दिरहम या यूएस डॉलर्स, या अगर वो सऊदी में उमरा या हज की गर्ज से जाते हैं तो वो सऊदी रियाल की डिमांड करते हैं। तो जब भी कोई फॉरेन करेंसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो वहाँ के उसकी डिमांड क्रिएट होगी। लास्ट इज़ द सर्विसेज इंपोर्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट। सर्विसेज इंपोर्ट क्या होती हैं, इफ लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है कि जो गूगल यूट्यूब वगैरह पर जो, या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर कंपनीज या जो कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, दीज आर एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज। अब जैसे ही ये एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के लिए जब ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी यहाँ से काम करते हैं फॉर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, तो यूएस या यूके के लिए, तो ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना कहते हैं, और वहाँ से रेमिटेंसेस हमारे कंट्री में इनफ्लो होता है। और जब इसी तरह से दूसरे कंट्रीज़ के लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो ही सर्विसेज को इंपोर्ट करना कहते हैं। अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, और इसमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन या डिवेल्यूशन रिवेल्यूशन क्या होती है, एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन। फर्स्ट हम एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन पढ़ते हैं। जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर, देन एक्सचेंज रेट इज डिसाइड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी 150 या 145 पे फिक्स हो जाती है, देन दिस इज़ आर एक्सचेंज रेट। अगर किसी वजह से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है, देन डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, और उसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। और अगर किसी वजह से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम होती है, तो उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व जो है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या हैं, मार्केट फोर्सेस इज लाइक द डिमांड एंड सप्लाईज, दीज आर कॉल्ड मार्केट फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट इज डिसाइड।
यानी अगर हम कहें कि एक्सचेंज रेट इज़ डिसाइडेड ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सो दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अगर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ में किसी भी रीज़न से जा रहे हैं, या अगर हमारी इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से करेंसी की जो एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, या करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी तरह अगर आप में के मुल्क में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, फॉरनर्स आना शुरू हो जाएँ जस्ट टू वॉच द सीनरीज ऑफ योर कंट्री या नॉर्दर्न एरियाज, तो उसकी वजह से आपके कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड द एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में आपके करेंसी की वैल्यू कम होगी, जबकि एप्रिसिएशन में आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। डीवैल्यूएशन क्या होती है कि इफ़ गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस देयर करेंसी ड्यू टू बाय देयर ओन, तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। यानी आपकी मार्केट फोर्सेस का असर नहीं है, जस्ट गवर्नमेंट ने बाय इट्स ओन अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया है। जस्ट इस वजह से हो सकता है, करेंसी की वैल्यू को कम करने की रीज़न एक ये भी हो सकती है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन बाय देयर ओन अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया है तो दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दें, यानी फॉरेन करेंसी की प्राइजेस को हम पहले बढ़ा दें, सो दिस इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू को कम करेंगे, इवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे। एप्रिसिएशन में आपकी करेंसी की वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्सेस बढ़ जाएगी, और डेप्रिसिएशन में आपकी करेंसी की वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्सेस कम हो जाएगी। दीज आर द सम कीवर्ड्स फॉर द एक्सचेंज रेट। सबसे पहले स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज द टेकिंग रिस्क बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, के हम जो बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से जितना भी प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस बेयर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन। और इसी तरह से अगर हम इसी चीज़ को हेज कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं टू अवॉइड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, सो दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। अगर हम फॉरेन करेंसी में होने वाले फ्लक्चुएशन को सेव कर लेते हैं, यानी अगर हम फ्लक्चुएशन को रिमूव कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। और अगर हम रिमूव नहीं करते, सो दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन। फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड फ्यूचर रेट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड फ्यूचर रेट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपको फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट पढ़ना पड़ेगा, वो आपके फ्यूचर स्लाइड में आएगा। जब हम फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट पढ़ेंगे, देन हम उसमें आपको फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट के बारे में बताऊँगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द बोथ इज द सेम। द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड फ्यूचर रेट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड डिस्काउंट। लाइक अब देखें, स्पॉट रेट क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होती है। सेम डेफिनेशन तो सेम होती है, बट वर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो इसलिए अगर आप लिख लेंगे दैट्स मेक यू इजी। स्पॉट रेट, इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच फॉरेन करेंसी बायर एंड सेलर मेक एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल देयर करेंसी। एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड ऑन द स्पॉट एंड ट्रांजेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। दिस इज कॉल्ड स्पॉट रेट। यानी ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आज ही एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ
और आज ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई या मैक्सिमम 2 डेज में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, सो दिस इज कॉल्ड स्पॉट रेट। ओके, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट में इट इज़ एन एक्सचेंज रेट इन विच फॉरेन करेंसी इज फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड टुडे बट द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। यानी ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्सचेंज रेट तो आज डिसाइड हुआ बट जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट होती है, सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर रेट। लाइक फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड रेट की पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड रेट में क्या होता है कि इफ़ माई लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे एक शिपमेंट आनी है ऑस्ट्रेलिया से, इट टेक टाइम लाइक 1 मंथ में उसकी शिपमेंट आएगी और मुझे 1 महीने के बाद $1,00,000 पे करना है किसी फॉरेन कंपनी को। जब मुझे शिपमेंट अपनी पोर्ट पे रिसीव हो जाएगी देन आई हैव टू पे द अमाउंट। अब 1 महीने के बाद आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ द, तो इसलिए अब फ्लक्चुएशन है, या तो मैं स्पेकुलेशन करूँगा, ठीक है, स्पेकुलेशन में रिस्क है, या मैं हेजिंग करूँगा। हेजिंग का मतलब है कि मैं अपने एक्सचेंज रेट को डिसाइड सेव कर लूँ। तो अब मैं एक्सचेंज रेट को सेव फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मैं एक फॉरवर्ड रेट तय करता हूँ। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा था ना स्पेकुलेशन और हेजिंग, उसमें हमने कहा था कि यार स्पेकुलेशन में तो रिस्क होगा, जो भी होगा स्पॉट रेट एट दैट टाइम वही हम पे करेंगे, और हेजिंग में हम उस स्पॉट रेट को अवॉइड करने के लिए हम एक फॉरवर्ड रेट आज ही तय कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आज का रेट 41-45 रुपीज़ का पर डॉलर का है, और आफ्टर 30 डेज़ आई डोंट नो कि क्या रेट होगा। तो आफ्टर 30 डेज़ के बाद हम कहते हैं किसी एक कंपनी के पास जाते हैं जो फॉरेक्स डील करती है, जो फॉरेन करेंसी में डील करती है। तो हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आज से 30 दिन के बाद हमें $1,00,000 की ज़रूरत होगी, देन ऑन विच एक्सचेंज रेट दे कैन ऑफर अस द फॉरेन करेंसी। अब वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल करेंसी पे लेने की, और हम कोशिश करेंगे कम से कम एक्स्ट्रा पेमेंट देने की। अब लाइक फॉर एग्जांपल, दे डिमांड 150 रुपीज़ पर डॉलर, हालांकि करंट स्पॉट रेट है 145 का, बट दे डिमांड 150 रुपीज़ पर डॉलर, और 150 चाहे उस वक्त 160 रुपये का डॉलर हो, चाहे उस वक्त 140 रुपये का डॉलर हो, बट दे ये अगर हम उसको कहेंगे दिस इज ऑल्सो द कॉल ऑप्शन, अभी वो फ्यूचर में पड़ेंगे। अच्छा, हम कहते हैं नहीं 145 के 146 ले लें, तो इस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या बार्गेनिंग के साथ 147 डिसाइड हो जाता है। 147 रुपीज़ का डिसाइड हो गया कि एक्सचेंज रेट 147 रुपीज़ पर 1 महीने के बाद मुझे $1,00,000 फॉरेन कंपनी देगी। आफ्टर वन मंथ अगर एक्सचेंज रेट 150 का हो जाता है, जो $1,00,000 मुझे 150 रुपये के हिसाब से मिलने थे, अब वो मुझे 147 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, तो ये जो 3 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड डिस्काउंट। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट जो है वो 145 से भी कम होकर 144 या 140 का हो जाता है, 140 का हो जाता है, तो अब मुझे 7 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं टू बाय $1, तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड प्रीमियम। कि अगर हमने जो फॉरवर्ड रेट तय किया है उससे फ्यूचर स्पॉट रेट उससे बढ़ जाए तो फॉरवर्ड डिस्काउंट हो जाता है, और अगर फ्यूचर स्पॉट रेट कम हो जाए तो फॉरवर्ड प्रीमियम। इसी तरह फ्यूचर रेट क्या होता है, फ्यूचर रेट इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच फॉरेन करेंसी इज डिमांड इन द फ्यूचर, एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो डिसाइडेड इन द फ्यूचर, ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड इन द फ्यूचर।
यानी मुझे 30 दिन के बाद $1,00,000 की ज़रूरत होगी। मैंने किसी एक कंपनी को कहा है कि मुझे 30 दिन के बाद $1,000 दे दे, $1,00,000 दे दे, जो भी फ्यूचर रेट होगा आई हैव टू पे, बट कंपनी को वो मुझे $1,00,000 उस वक्त प्रोवाइड करने होंगे। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं, क्योंकि उनके पास हेजिंग करने के लिए या बाउंड करने के लिए पेमेंट वो नहीं बाउंड करना चाहती, तो वो कहते हैं बस यू हैव टू प्रोवाइड मी द फॉरेन करेंसी ऑन विच रेट यू हैव डिसाइडेड। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर रेट, ऑप्शन रेट। अच्छा, फॉरवर्ड और फ्यूचर रेट में क्या होता है? फॉरवर्ड रेट में एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है टुडे, बट द ट्रांजेक्शन विल बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर। फ्यूचर रेट में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट भी डिसाइड नहीं होता, ट्रांजेक्शन भी फ्यूचर में होती है, बट अमाउंट आज डिसाइड होती है। जबकि फॉरवर्ड रेट में अमाउंट एक्सचेंज रेट दोनों डिसाइड हो जाते हैं, बट द ट्रांजेक्शन विल बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर। जबकि फ्यूचर रेट में एक्सचेंज रेट और ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होती है, बट अमाउंट आज डिसाइड हो जाता है। फ्यूचर ऑप्शन रेट, ऑप्शन रेट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन इन विच फॉरेन करेंसी इज डिमांड, जिससे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में जब हम फॉरेन करेंसी में सेल करने जाते हैं, अपनी जब हम सेल करते हैं तो हम अपनी जो करेंसी को किस रेट में सेल करना चाहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पुट ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज मार्केट में जाते हैं, हम पूछते हैं मुझे $10 चाहिए या $100 चाहिए, मैं पूछता हूँ क्या व्हाट इज़ द रेट फॉर द डॉलर। तो अब मैंने क्या कहा है कि उससे कॉल ऑप्शन मांगा है, तो वो मुझे क्या कहेगा कि आज का एक्सचेंज रेट जो है वो ₹150 का डॉलर है। तो ये ₹150 का जो उसने रेट दिया है, ये उसने अपनी तरफ से पुट ऑप्शन दिया है, ठीक है। और यानी वो ₹150 में अपने फॉरेन करेंसी को बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। और अब फिर उसके बाद अगर मैं कोई रेट दूंगा, तो इस तरह से दिस इज़ कॉल्ड द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इनडायरेक्ट मेथड, दो तरीके से फॉरेक्स करेंसी खरीदी और बेची जा सकती है। एक तो होती है डायरेक्ट मेथड, कि मैंने डॉलर को ख़रीदा डायरेक्टली अगेंस्ट द रुपीज़, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम किसी सेकंड करेंसी को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें हम लाइक फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी अगर डायरेक्ट फॉरेन करेंसी खरीदता है, डॉलर खरीदते हैं, ₹150 का डॉलर मिल रहा है, और लेकिन अगर इंडियन करेंसी से हम खरीदते हैं, तो वहाँ से इंडियन करेंसी को हम खरीदते हैं, तो वो हमें ₹1.50 की मिल रही है, 1.4 की मिल रही है, ₹1.40 की मिल रही है। और जबकि इंडियन करेंसी से अगर हम डॉलर खरीदेंगे, तो वो एक इंडियन करेंसी का डॉलर जो है वो ₹100 का आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट खरीदते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट खरीदते हैं, तो वो हमें $1 के अगेंस्ट में ₹150 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम वाया इंडियन करेंसी खरीदते हैं, तो हमें $1 खरीदने के लिए 100 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 100 इंडियन खरीदने के लिए ₹140 खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तानी। तो अब ₹140 के हम पहले 100 इंडियन रुपीज़ खरीदेंगे और 100 इंडियन का $1 खरीद लेंगे। तो इस तरह से $1 हमें 150 के बजाय इनडायरेक्ट मेथड से ₹140 का मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि सब लोग पहले इंडियन करेंसी खरीदेंगे, देन डॉलर खरीदेंगे। तो इस वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, तो अब इंडियन करेंसी में पाकिस्तानी करेंसी की डेप्रिसिएशन होना शुरू हो गई, और इंडियन करेंसी जो पहले ₹1.4 की आती थी, अब वो 1.5 भी हो जाएगी, जिसकी वजह से
जो 1 डॉलर पहले हमें 100 रुपये का मिला, एक INR जो है वो 1 रुपये 40 पैसे का मिला था, अब वो 1 रुपये 50 पैसे का मिलना शुरू हो जाएगा। और वही 1 डॉलर जो पहले हम 140 रुपये का वाया इंडियन करेंसी खरीद रहे थे, वो वाया इंडियन करेंसी खरीदेंगे तब भी 150 का मिलेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे तब भी 150 का मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थ्योरी, ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट थ्योरी में क्या है, इन द ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम एक्सचेंज रेट थ्योरी दैट द एक्सचेंज रेट इज कंसिडर्ड द मार्केट इक्विलिब्रेटिंग प्राइस विच एडजस्ट टू परमानेंट कैजुअल फंडामेंटल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन अंडरलाइंग प्रोडक्ट और एसेट मार्केट। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एजेंट्स एक्सपेक्टेशन पोजिशंस अल्टीमेटली चेंज लिटल ऑफ दिस व्यू एज एट लीस्ट सम रैशनल मार्केट एक्सपेक्टेशन अलाइन द एक्सचेंज रेट विद इट फंडामेंटल वैल्यू गिवन बाय द मेन स्ट्रीम एक्सचेंज रेट थ्योरी। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हम इन लाइनों पर गौर करेंगे, दिस एक्सचेंज रेट इज कंसिडर्ड द मार्केट इक्विलिब्रेटिंग प्राइस विद द एडजस्ट विच एडजस्ट टू परमानेंट कैजुअल फंडामेंटल, यानी आपकी जो प्राइजेस की जो एडजस्टमेंट है, दिस बिकम द सोर्स ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी वही जो हम पहले परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ये कहते रहे कि इफ़ अगर हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखें कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें, तो हम कहेंगे कि 10 कमोडिटीज़ पाकिस्तान में कितने की खरीदी जाएंगी, वही 10 कमोडिटीज़ अमेरिका में कितने की खरीदी जाएंगी। अगर वही 10 कमोडिटीज़ पाकिस्तान के अंदर 100 डॉलर की खरीदी जाती हैं, 100 रुपये की खरीदी जाती हैं, और वही 10 कमोडिटीज़ अमेरिका में 1 डॉलर की खरीदी जाती हैं, तो वही 100 रुपये 1 डॉलर के इक्वल हो जाएंगे। सो इस तरह से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट तो इसी तरह से डिसाइड होता था। वैसे करंटली भी मेन तो सोर्स यही है, बट अब इसमें थोड़ा सा एसेट्स प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी इंक्लूड हो गए। पोस्ट कीनेजियन थ्योरी, पोस्ट कीनेजियन एक्सचेंज रेट थ्योरी एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट द व्यू ऑफ एक्सचेंज रेट एज अ मार्केट इक्विलिब्रेटिंग प्राइस एंड अर्ज एक्सपेक्टेशन एंड पोजिशन इन शॉर्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स ड्राइव एक्सचेंज रेट। शॉर्ट टर्म में देखें तो फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो एक्सचेंज रेट को ड्राइव करती हैं, यानी एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट कम होगा ज़्यादा होगा। अगर आप कुछ दिनों पहले की बात देखें, जब हमने इंटरेस्ट रेट को 13% 11% से एकदम 9% पे किया था, तो आपका जो एक्सचेंज रेट था उसमें 4 रुपये का फ़र्क आ गया था। तो दिस इज़ द बेसिक कॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इंटरवेंशन। बी इसका यह है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फ्लोज हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। जो फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं वो आपके परमानेंट इफेक्ट बनता है एक्सचेंज रेट का। सी इज द एम्फसाइज ऑन द एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन प्रोसेस अंडर अनसर्टेनिटी और नो स्टेबिलिटी अंडरलाइंग द फंडामेंटल्स एग्जिस्ट। यानी जो आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है, दिस इज ऑल्सो अफेक्ट द फॉरेक्स करेंसी, ये भी आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर अफेक्ट करती है। दीज आर द फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ता है। पहले हम फिस्कल पॉलिसी को पढ़ते हैं, देन फिर हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशंस इकॉनमी। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, दिस आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट। व्हेन द गवर्नमेंट यूज
इज फिस्कल पॉलिसी टू एक्सपेंड द इकॉनमी. दिस इंक्रीज आर इकॉनमी एंड आर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एंड अल्टीमेटली लोअर्स द एक्सचेंज रेट. जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड करती है, इसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ जाती है और डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स जो है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट यानी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट आपकी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से आपकी करेंसी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है या फॉरेन करेंसी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो वाइडली बिलीव दैट द गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बाय सिंपली बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी और इंटरनेशनल मार्केट. ये लास्ट गवर्नमेंट में बहुत होता रहा है कि फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज रेट को सेल्फ कंट्रोल करना, अपनी तरफ से कंट्रोल करना कि किसी तरह से फिक्स कर लिया जाए एक्सचेंज रेट को. अगर एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फॉरेन करेंसी फिक्स हो जाती है. थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट डेट एंड ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द टाइमिंग ऑफ टैक्सेस एंड बोरोइंग एंड द टाइप्स ऑफ टैक्सेस यूज टू चेंज द डायनेमिक ऑफ एक्सचेंज रेट. गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है या जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग द टाइमिंग ऑफ टैक्सेस एंड बोरोइंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस यूज टू चेंज द डायनेमिक ऑफ एक्सचेंज रेट. यानी आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी फॉरेक्स फॉरेन बोरोइंग होती है, इवन लोकल बोरोइंग भी, दिस आल्सो डिसाइड द एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन. मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री, टिपिकली द सेंट्रल बैंक, कंट्रोल द मनी सप्लाई, ऑफन टारगेटिंग एन इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड जनरल ट्रस्ट इन द करेंसी. देयर आर द थ्री रेट. सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकेंड इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट, थर्ड इज द डिस्काउंट रेट. इन ओपन मार्केट ऑपरेशन हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं बाय प्रिंटिंग न्यू मनी, बाय टेकिंग बॉन्ड्स या बाइंग बॉन्ड्स बाय द बैंक. और रिज़र्व रिक्वायरमेंट, ये हम तीनों चीज़ें हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ चुके हैं. रिज़र्व रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने पास जो रिक्वायर्ड रिज़र्व रेट है वो अपने पास ज़्यादा रखता है. और इसी तरह से डिस्काउंट रेट जो होता है वो फिक्स रेट जो सेंट्रल बैंक फिक्स रेट फिक्स करता है इंटरेस्ट रेट, तो उसको कम या ज़्यादा करते हैं. दीज आर द कॉजेज ऑफ मॉनेटरी, दीज आर द बेसिक टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स का इम्पैक्ट क्या होता है, द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ द यूजुअली टारगेट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल बैलेंसेज एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ड्यू टू विच परचेजिंग पावर द करेंसी इज डिक्रीजेस. यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है ड्यू टू विच परचेजिंग पावर द करेंसी इज डिक्रीजेस, दैट विल अफेक्ट द डेप्रिसिएशन इन द करेंसी. अगर इन्फ्लेशन आ गया, लोकल करेंसी लोकल मार्केट में प्राइजेस बढ़ गई, दैट मीन आपकी परचेजिंग पावर में कमी आ गई. ड्यू टू द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर आपकी फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा हो गया. और वॉइस वर्सा, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपकी करेंसी अप्रिशिएट भी हो सकती है. एक्सचेंज रेट टीचिंग, देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. सबसे पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, सेकेंड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीसरा होता है बैंड एक्सचेंज रेट.
फिक्स एक्सचेंज रेट में आपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया, फ्लोटिंग में आपने उसको ओपन छोड़ दिया कि चाहे करेंसी फ्री फ्लोट कर दिया कि आपने उसको चाहे वो अप हो या डाउन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बैंड में क्या करते हैं कि बैंड में आपने करेंसी के एक अपर एंड लोअर लिमिट बना देते हैं, वो बिल्कुल ये बिल्कुल इट्स लाइक अ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये तीन तरह की रिजीम हैं, फिक्स, फ्लोटिंग एंड बैंड। फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अ कंट्री विद अ लोअर इन्फ्लेशन रेट विल हैव द हायर करेंसी वैल्यू एंड द कंट्री विद अ हायर इन्फ्लेशन रेट हैव द लोअर करेंसी वैल्यू। करंट अकाउंट डेफिसिट, द हाई करंट अकाउंट डेफिसिट विल रिक्वायर टू बोरो फ्रॉम द काउंटर पार्ट विच लीड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। पब्लिक डेट, इफ अ कंट्री इज परसीव टू हैव अ हाई नेशनल डेट विदाउट अ क्रेडिबल प्लान फॉर डीलिंग विद इट दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, इट्स कॉल्ड पब्लिक डेट। इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कन्वर्सली लोअर इंटरेस्ट रेट टेंड टू बी अनअट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डिक्रीज द करेंसी रिलेटिव वैल्यू। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री मे ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द कॉज ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन मे अंडर वैल्यू द करेंसी। देखिए लाइक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस के आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो पूरी तरह मुतासर होता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, दे सेट देयर स्ट्रेटजीज, दे सेट देयर पॉलिसीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, दे टोटली अपोज देर यूजिंग देयर पॉलिसीज, यानी वो तमाम तर पॉलिसीज़ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो ये जो है इस तरह से आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जैसे इंडिया में इंडिया की करेंसी ज़्यादा स्टेबल क्यों है पाकिस्तान की नस्बत में, या बांग्लादेश की करेंसी ज़्यादा स्टेबल क्यों है पाकिस्तान की करेंसी, हालांकि वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बेसिकली, बिकॉज वन पॉलिटिकल पार्टी ने जो पॉलिसी रखी है वो ही कंटिन्यूसली चल रही है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स की दो गवर्नमेंट्स उनके यहाँ गई हैं, पहले 10 साल की कांग्रेस की थी, दूसरे 10 साल में अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दोनों गवर्नमेंट क्योंकि 10 साल की पॉलिसी, 10 साल की स्टेबिलिटी है, इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आप उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर है और उनकी एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन भी बेहतर है। यहाँ पर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की एक बड़ी वजह इंस्टेबिलिटी की ये भी है कि हमें ये नहीं पता था कि करंट गवर्नमेंट 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या कितने साल चलेगी, तो पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी पाकिस्तानी लोकल करेंसी लोग रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। एक टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, द टर्म ऑफ ट्रेड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सचेंज रेट बिकॉज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी लोअर द डोमेस्टिक प्राइजेज ऑफ इट्स इम्पोर्ट बट मे नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइज ऑफ द कमोडिटी इट एक्सपोर्ट्स। यानी हम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं, जो भी कमोडिटीज बना रहे हैं, वो दूसरे मुल्क में कितनी प्राइस में, कितने एक्सचेंज रेट में दूसरे मुल्क में जाएगी, सेल आउट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक आईफोन है जो कि जापान से आता है और पाकिस्तान से गंदम एक्सपोर्ट होती है या शुगर एक्सपोर्ट होती है,
एक आईफोन खरीदने के लिए जो कि एक बैग में या एक पॉकेट में आ जाता है, मैं कम से कम 10 बैग ऑफ शुगर देने पड़ेंगे उनको, यानी 1 टन शुगर उनको देनी पड़ेगी या 1 टन वीट उनको देना पड़ेगा टू बाय अ वन आईफोन। दिस इज़ द बेसिक टर्म ऑफ ट्रेड कि एक यानी कमोडिटी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में कितनी कमोडिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये कह लें कि एक पूरा कंटेनर आपका वीट का जाता है और एक ब्रीफ केस में, छोटे से ब्रीफ केस में मोबाइल फोन जाते थे। दिस इज़ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द डेप्रिसिएशन या इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट मे बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्सचेंज रेट बिकॉज राइज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी लोअर द डोमेस्टिक प्राइजेस ऑफ इट्स इम्पोर्ट बट मे नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज इट एक्सपोर्ट्स। कॉजेज ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। नंबर एक इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में परचेजिंग पावर पैरिटी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट साइज, इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, लीगल सिस्टम डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कल्चरल फैक्टर में रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, एथिक्स एंड अर्बनाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है एक्सचेंज रेट पढ़ने की? तो इस लेक्चर के लिए दिस इज़ यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, दिस इज़ यूजफुल फॉर द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड द फ्यूचर स्पॉट रेट, फॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर लीजिंग द वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द पाकिस्तान विद अ मिनिमल अनसर्टेनिटी, टू प्रिपेयर द स्ट्रेटजीज विच मे रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द करेंसी एंड वैल्यू एंड मे इन्हेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, हेल्प द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ये इसके बेनिफिट्स होंगे अगर हम उसको स्टडी करेंगे या अगर हम उसको समझ लेते हैं। सॉर्ट ऑफ अफोर्ड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।